हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जांगिद और आज हम तीन वर्डिंग के बारे में बात करेंगे। एक है हेयर लॉस, एक है हेयर फॉल, एक है हेयर डैमेज। ओके, दिखने में तीनों सब समान दिखते हैं लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें काफ़ी अंतर है। देखिए, हेयर लॉस जो पार्ट होता है, हेयर लॉस हम स्काल्प के ऊपर देखते हैं कि आपका हेयर का कितना लॉस हो चुका है। सो हेयर लॉस इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज, ए रियली डिजीज। ओके, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस इज लाइक मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, सम स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस और आई कैन से सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज। सो बेसिकली हेयर लॉस क्या होता है कि हेयर लॉस हम देखते हैं स्काल्प के ऊपर। तो अगर आपके बाल नहीं है स्काल्प के ऊपर तो हम उसको बोलते हैं कि आपको हेयर लॉस हो चुका है, राइट? अब बात करते हैं हेयर फॉल की। देखिए, हेयर फॉल मीन्स जो आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, जो आपके हाथ में आ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड हेयर फॉल। सो जरूरी नहीं कि हर हेयर फॉल के अंदर हेयर लॉस हो। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेयर फॉल नॉर्मल होता है। ओके, उसको बोलते हैं जैसे कि नॉर्मल साइकिल होता है वो। और अगर आपका लेस देन 100 हेयर फॉल है और आपके स्काल्प पे बात अच्छे हैं तो कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए डिजीज। अगर हाँ, आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 100 हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। और उसका जो रीज़न होता है, लाइक मे बी लाइक मेल पैटर्न बाल्डनेस और मे बी सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, स्ट्रेस और इंटरनल डिजीज। सो कह सकते हैं कि हेयर फॉल, एबनॉर्मल हेयर फॉल इज ए अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हेयर डैमेज की। देखिए, हेयर जो फॉल होता है वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है, जबकि हेयर डैमेज होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। ओके, हेयर फॉल मीन्स बाल आपके रूट से आ रहे हैं, राइट? अगर आपके बाल रूट से आ रहे हैं इसका मतलब इंटरनल प्रोसेस है, जैसे कि एग्जांपल आपका, मैंने आपको जो कॉजेज बताए हैं वो वाले कॉजेज। जबकि हेयर डैमेज है एक्सटर्नल प्रोसेस, जैसे अगर आप बालों के ऊपर कुछ स्ट्रेटनिंग कराते हैं, कुछ कलरिंग कराते हैं या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट कराते हैं, उसकी वजह से अगर आपके बाल वीक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेयर डैमेज या हेयर ब्रेकेज। तो हेयर डैमेज और हेयर ब्रेकेज बोथ आर सेम। हेयर फॉल मे बी नॉर्मल, मे बी एबनॉर्मल, जबकि हेयर लॉस दिस इज काइंड ऑफ ए डिजीज, इसका आपको ट्रीटमेंट लेना है। ओके, होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं हूँ डॉक्टर जांगिद और अगर आपको हेयर, स्किन या कॉस्मेटिक के बारे में इस तरह के कोई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, और हाँ, आप अपना क्वेश्चन भी मुझे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑन दैट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।